दोस्तों भारत ने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में एक और बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर ली है, जिसे सुनकर के आप एक भारतीय होने पर गर्व करेंगे। ऐसा इसलिए कि अभी तक भारत के अंदर जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ऑपरेट किए जा रहे हैं, इसमें हम न्यूक्लियर फ्यूल को इंपोर्ट करके इस्तेमाल करते हैं। साथ ही इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को बनाने के लिए जितने भी रिएक्टर्स का इस्तेमाल किया गया है, इन्हें भी हमने रूस जैसे तमाम देशों से इंपोर्ट करके ही तैयार किया है। लेकिन अब शायद हमें किसी और देश से इस तरीके की रिएक्टर टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भारत ने स्वदेशी रूप से इस टेक्नोलॉजी को तैयार कर लिया है। भारत की बड़ी कामयाबी के लिए कमेंट बॉक्स में जय भारत जरूर लिखिएगा। साथ ही इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों इस प्रोजेक्ट की शुरुआत अब से एक साल पहले की जाती है, जहां पर भारत की दिग्गज मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी एलएनटी को करीब 700 मेगावाट का प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर का कॉन्ट्रैक्ट सौंपा जाता है। और ये रिएक्टर इस्तेमाल किया जाना था गोरखपुर हरियाणा पावर प्लांट के अंदर। और एक साल पहले ही एलएनटी ने अपने 700 मेगावाट के हैवी वाटर रिएक्टर को बना करके तैयार कर दिया और सक्सेसफुली इसको डिलीवर भी कर दिया गया था। वही कल खबर सामने निकल के आई है कि एलएनटी ने एक और कदम आगे बढ़ाते हुए स्टीम जनरेटर को भी स्वदेशी रूप से तैयार कर लिया है, जिसे इस 700 मेगावाट के रिएक्टर के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा। और स्टीम जनरेटर ही एक मेन कंपोनेंट है किसी भी पावर प्लांट का, जो कि हीट से वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करता है और उस स्टीम को थ्रो किया जाता है टरबाइन के ऊपर। टरबाइन घूमते ही अल्टरनेटर घूमता है, जिसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तमाम मीडिया खबरों में इसे भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित स्टीम जनरेटर बताया गया है, जिसे भारत के न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में एक बड़ी जीत बताई जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी शायद भारत की डिपेंडेंसी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर हम फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम यूरेनियम के नाम से जानते हैं। और अभी भी भारत अपनी टोटल यूरेनियम की जरूरतों का करीब 80% हिस्सा इम्पोर्ट करके पूरा करता है, और मेजोरिटी कजाकिस्तान, कनाडा, रशिया जैसे देशों से इम्पोर्ट कराया जाता है। लेकिन एक और ऐसा ही एलिमेंट है जो भारत के अंदर दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है, जिसका नाम है थोरियम। और भारत ने उस रिएक्टर को भी बनाने का काम लगभग 90% पूरा कर लिया है, जिससे हम थोरियम का इस्तेमाल करते हुए पावर जनरेट कर सकते हैं। वैसे तो हमें यूरेनियम इम्पोर्ट करना पड़ता है, लेकिन भारत थोरियम के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्व कंट्री माना जाता है। लेकिन अभी भी उस टेक्नोलॉजी को पूरी तरीके से डेवलप होने में समय लग सकता है। तब तक हम पॉल्यूशन कम करते हुए न्यूक्लियर एनर्जी के इस्तेमाल से पावर जनरेट करते रहेंगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि भारत को पूरी तरीके से डिपेंडेंसी खत्म करनी पड़ेगी यूरेनियम या फिर कहें अलग अलग रिएक्टर्स की। और ये समय आज हो या फिर आज से 20 साल बाद, भारत के अंदर एलएनटी जैसे बड़े प्लेयर्स इसी तरीके के प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करते रहेंगे और भारत को नई नई टेक्नोलॉजी सौंपते रहेंगे। अल्टीमेटली इन कंपनीज के अंदर भारतीय काम कर रहे हैं, जो दिन रात अपनी मेहनत के चलते भारत को इस नई ऊंचाई पर लेकर के आ रहे हैं। इन सभी को धन्यवाद करते हैं। कमेंट बॉक्स में जय भारत जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे हम आपको प्ले और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए मात्रम भारत माता की।